एक्चुअली मेरे को मई में 31 मई को मतलब मेरे को पहली बार फ्रेश होने गया था, मेरे को एक पेपर टाइप का देखा था, तो मेरे को लगा कि नॉर्मल है पर फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ सब चीज़ें, तो मैं गया डॉक्टर के पास। उन्होंने बोला कि ये फिचर भी हो सकता है, अभी क्लियर कट नहीं कर सकता है, स्टोना भी हो सकता है, तो आप एक काम करिए आप ये एंटीबायोटिक दिया उन्होंने, कुछ फाइबर दिया, वो तो मैं भी नॉर्मली फाइबर लेना चाहिए, तो मैं उसको एक चम्मच ले लेता हूँ। तो सर 7 दिन तक तो मैं उठाया नहीं, मैं दोबारा गया तो उन्होंने बोला ये स्टोना, फिर मैं एक और सर्जन के पास गया, उन्होंने कहा इसको ओपन सर्जरी कर देता है। फिर मैंने सर आपके बारे में सुना सर, तो रिकवरी के चांसेस मतलब दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सर मैं आपके पास आ गया फिर, आपने बड़े अच्छे से कंसल्ट किया, बताया ऐसे ऐसे समस्या हो सकती है, आप अभी नहीं कर रहे, मतलब बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको हो आप आइए, आप उसको क्लियर करेंगे, जितना देर करेंगे इंटरनल टनल उठ कर चलाता है, तो आपको जल्दी से जल्दी ही कराना है और बहुत मैनेजेबल होता है, कोई ऐसा ये नहीं है। तो ये बात होती है, आज भी मैंने एक पेशेंट करा था, उसका वहाँ से निकला दोनों हिप्स को गलाया, हिप्स को गलाते हुए राइट साइड की होती है, हिप की हड्डी होती है वहाँ तक पहुँच गया, वहाँ से फिर ट्रैवल करता करता था। सर अगर लेट करेंगे 8 महीने आप 24 महीने आप, तो वो ये होगा क्योरेबल आपका रह नहीं जाएगा। जो ऐसा होता है कई बार होता है कि क्या करते हैं इलाज कराते हैं, बट कई बार लैक ऑफ नॉलेज के कारण उस चीज को सस्पेक्ट ना करने के कारण वो मेन चीज को मिस कर देते हैं। अब मिस किया तो पेशेंट के मन में क्या हो जाता है कि अब मेरा मैंने सर्जरी तो करा है, ठीक नहीं हुआ, अब मैं होम्योपैथी का मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं सर, जिसमें क्या बोलते हैं आप पेन आपको इतना होगा कि आपकी लाइफ ही होपलेस टाइप की हो जाती है, आप जॉब छोड़ के बैठ जाते हो, काम नहीं कर पा रहे, ट्रेवल नहीं कर पा रहे, तो इसमें क्या है कि आप आइए यहाँ पे, आइए सर के पास आइए। तो मोस्ट इंडिया में 5-6 लोग हैं सर मेरे हिसाब से जो कि वाफ्ट में क्या बोलते हैं इतना अच्छा सक्सेसफुल रेट है, मैंने सब जगह देखा था, पर मेरे को आशीष सर का अच्छा लगा, मैंने कहा कि सर के पास चला और सर बाकी हम लोगों का सर थोड़ा सा बिलीफ मिलता है गॉड के बारे में। पहली बार हुआ, फिर मेरा दूसरी बार यू रिक्रूटमेंट हुआ था, तो उसके बाद अभी मैं आया हूँ, अभी मैं दो सेटिंग में कंप्लीट हो गया, उसमें भी कोई इशू नहीं है। जॉब करता रहा मैं खुद आया, पहली जब बार में आया था तो मैं एक दिन के लिए जरूर मतलब 2 दिन के लिए नहीं जा पाया था, क्योंकि तब थोड़ा सा पेन एक्स्ट्रा था, वो भी मेरी केयरलेसनेस थी कि मैं मतलब 1 महीने बाद आया, मैं उसी टाइम पे आ जाता मैंने एंटीबायोटिक खा ली, एंटीबायोटिक से होता क्या है कि वो सप्रेस हो जाता है सर आपने बताया था, फिर वो ज्यादा पेन करेगा, जितना सप्रेस होगा उतना ज्यादा पेन करेगा, वो अंदर जाने में उसको अंदर टर्न करना साफ करना, तो उस वजह से पेन था। अति आप आइए जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपको पता चले कुछ प्रॉब्लम है, आपको फिशर भी है अगर तो उसको क्रीम लगाकर फिशर था आपके किस में? आपको होती है और आप दिल्ली से आसपास हैं, मतलब आपको लगता है माइनर सी प्रॉब्लम है, तो आप आइए वो भी दिखाइए, क्योंकि उसके भी क्या बोलते हैं चांसेस है कि वो फिस्टुला बन जाए, तो उस टाइम पे सही हो जाए तो ज्यादा बेटर। 90% अगर उसको ध्यान से ढूंढा जाए देखा जाए तो उसी टाइम पे आप फिस्टुला को क्योर कर सकते हैं, बट वही होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को आयुर्वेदिक खाना है, बहुत सारे सब गाँव में तो और भी क्रिटिकल कंडीशन है, यहाँ इतनी दूर क्यों जा रहे हो, वैसे क्यों है, वो सब रहता है, तो आप अपने बारे में सोचिए, इतने जल्दी आएंगे आप उतने सही होते जाएंगे बेसिकली, ठीक है। सर किसी को आपसे बात करनी हो, जानकारी देनी हो, आपका नंबर शेयर कर सकते हैं, आप बता दीजिए। 7000 5166 4 6